हाय एवरी वन वेलकम टू जिम सोल्यूशन सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक वेबसाइट को कनेक्ट करोगे आप गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के साथ तो अभी हम एक बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिस टाइम एंटरिंग द डिटेल है ठीक है ये हम वर्ड पैस वेबसाइट को सेटअप करना सीखेंगे कि कैसे हम वर्ड पैस वेबसाइट को कम्प्लीट सेटअप कर सकते हैं एक गूगल uh, एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल के साथ जैसे ही हम लॉग इन करते हैं तो अपने पास एक ये विंडो ओपन आती है इस वेबसाइट पर अभी हमने कुछ काम नहीं किया ना एस का क्या केवल इतने यूस टेस्यू के एक बार हमने डिस्कस किया था कि यूस टेस्यू को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं आप एस कैसे करोगे ठीक है अब वो भी हम दोबारा इस प्रोसेस में करेंगे जब हम ऑन पेज एस्यू पे कवर करेंगे अभी हम गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करते हैं सो तो दो मेथड होते हैं एक तो होता है कि आप मैन्युअली कनेक्ट करिए दूसरा मेथड होता है कि आप एक तो सीधा प्लगइन के थ्रू कर दे तो गूगल की तरफ से एक साइट किट का प्लग आता है गूगल साइट किट अब जब उससे आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे देता है कि कैसे कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस बता देता है तो हेयर द स्टेप्स लाइक प्लग इन पे जाना है आपको एक नया प्लग इन एड करना है क्लिक ऑन द ऐड न्यू प्लग इन आप यहाँ पे दिखा देगा जितने भी अपने लिस्ट ऑफ प्लगइन अवेलेबल होंगे ना वो सब दिखा देगा यहाँ पे जो भी वर्ड के डायरेक्टरी में अपने प्लगइन्स इन्स है वो सारे प्लगइन्स इन्स यहाँ पे दिखा देगा अब यहां पे आपको सर्च करना है गूगल साइट किट जैसे आप गूगल साइट किट को सर्च करोगे तो आपके पास एक साइट किट के नाम से आएगा नॉर्मल अब साइट किट सर्च जैसे आप साइट किट डालोगे नॉर्मल यहाँ पे साइट स्पीस किट तो आपको ये साइट किट बाई गूगल का प्लग मिल जाएगा जिसकी रेटिंग आप देख सकते हो ये एट फोर रेटिंग है एट फाइव एट लोगों ने यहाँ पे दी हुई है चार मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन इसके अब फिर आगे जब हम चलते हैं तो इसको अपने को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है जस्ट वेव टू तो क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा इट विल टेक सम टू फिफ्टीन जैगें प्लग इन अपना सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो चुका है तो हम इस पर एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे एक्टिवेट पे क्लिक कर दोगे तो सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे एक बार दिखा देगा साइट किट का दूसरा यहाँ पे स्टार्ट सेटअप का एक ऑप्शन ऑप्शन भी आ जाएगा स्टार्ट सेटअप पे जैसे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइन इन विद गूगल मांगेगा तो साइन इन विद गूगल कर लेना है अपने को यहाँ पे जैसे आप साइन इन विद गूगल कर लोगे तो यहाँ पे एक अमजम सॉल्यूशंस डिजिटल जो मेल है अपनी उस मेल को आपको पूछेगा कौन सी मेल आपकी जो भी आपकी मेल है उस मेल से आप लॉग कर लेना जो परमिशन मांग है तो हम इसको सेलेक्ट करके जस्ट कंटिन्यू कर देंगे कंटिन्यू करने के बाद ये तीन स्टेप अपने को मांगेगा सबसे पहले साइट ओनरशिप को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई पे जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे अब अपने पास ये जो नेक्स्ट फेज मांगेगा जो दूसरा फेज है ये केवल यहाँ पे ये मांग रहा है कि आप इस वेबसाइट के ओनर हो वो कंफर्म कर दो यहाँ पे टू यू आर ऑन दिस वेबसाइट टाइटल होता है ये गूगल एट्स से वेरीफिकेशन कोड अब ये कह रहा है टर्न ऑन मैट्रिक्स एंड डैशबोर्ड मतलब टर्न ऑन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपके बैकहैंड में ही आपको रिजल्ट दिखाने लाइक कितने क्लिक्स आए कितने इंप्रेशन आए यदि वो बैकहेंड में आपको देखने हैं तो आप इसकॉलो कर सकते हो स्लो पे क्लिक कर देना आप सेटअप पे क्लिक करना है गो टू माई डैशबोर्ड अब यहाँ पे आप देखोगे तो गूगल सर्च कंसोल होगा वो अपना सेटअप हो जाएगा डाटा को रिफ्लेक्ट होने में आप लोग 24 फोर हावर्स का टाइम लगता है एंड के ऊपर बट यू कैन सी दैट ऑन कम्प्लीटिंग ठीक है अब यहां पे आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहां पे दिखा देगा सर्च कंसोल अपना फिक्स हो चुका है ठीक है अब आप सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कनेक्टेड सर्विस दिखा रहा है कनेक्टेड सर्विस हमने दो सर्विस को भी कनेक्ट कर लिया एक साथ द फर्स्ट वन इज द सर्च कंसोल सेकंड वन इज द पेज स्पीड इनसाइट सर्च कंसोल में हम अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो अपना ये पेज स्पीड इनसाइट है इसमें हम वेबसाइट में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी डेस्कटॉप पे कितनी स्पीड है मोबाइल पे कितनी स्पीड है कनेक्ट मोर सर्विस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एड्स एडसेंस एनालिटिक्स मल टैग मैनेजर मल्टीपल चीजों को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं दूसरा पार्ट अपना एनालिटिक्स का जो सेटअप करना है तो क्लिक करना है अपने को सेटअप एंड एनालिटिक्स जैसे आप क्लिक करोगे लॉग इन करोगे सेम वही प्रोसेस रहेगा अपना ऑल पे क्लिक करोगे कंटिन्यू अभी एक थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्शन करने में अब यहाँ पे एक अकाउंट मांग रहे हैं तो आप पहले से जितने भी आपके अकाउंट होंगे वो इस पर्टिकुलर अकाउंट पे वो दिखा देगा यहाँ पे अभी आपको अकाउंट दिखा रहे हैं यहाँ पे जो जो आपका अकाउंट है वो आप यू चूज कर सकते हो अदरवाइज आप एक नया अकाउंट को सेटअप कर सकते हो सेटअप ए न्यू अकाउंट अब यहाँ पे आप अकाउंट का नाम पूछेगा जो आप कुछ भी डाल सकते हो आप साइट के रिलेटेड डाल सकते हो या फिर कुछ अपने पर्सनल के रिलेटेड डाल सकते हो ये प्रॉपर्टी रहेगी किस नाम से आप इसको क्रिएट करें तो प्रॉपर्टी भी आप अपने आर्ड पे जो आपकी वेबसाइट का यू आ है वो अच्छा होता है ताकि आप बाद में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो ये अकाउंट को आपको क्रिएट कर देगा फिर वेरिफिकेशन मांगेगा एक बार जैसे आप क्रिएट कर रहे हो तो सेम प्रोसेस अपना इसमें भी रहेगा कि आपको लॉग करना है जैसे आप लॉग इन पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर आपको दिखा देगा एनालिटिक्स का प्रोग्रेस है अभी कनेक्शन में आप एनालिटिक्स की वेबसाइट पे ये जाएगा एक बार आपको टर्म एंड कंडीशन को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं यदि हम पहले ही अकाउंट में किसी में लगाते तो वहाँ पे ऐसा इशू नहीं आता वो एक में हो जाता अब यहाँ पे स्टेट पूछ रहे हैं कि आपका किंगडम कौन सा है ठीक है तो आप यहाँ पे अपना सर्च कर सकते हो कंट्री को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद एक टर्म एंड कंडीशन है आप देख सकते हो जितने भी आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ने हैं तो फिर आई आल्सो एक्सेप्ट को चेक करना है चेक करने के बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है या आपको पूछे टेक्निकल सपोर्ट आपको मतलब डाटा शेयरिंग सेटिंग होती है यहाँ पर उसके बाद गो टू माई डैशबोर्ड पर जाना है जो अपना साइट किट में एनालिटिक्स का अकाउंट अपना मतलब जो वेबसाइट है उसमें सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है यू कैन सी थर्ट या ठीक है अब आप साइटिंग पे जाएंगे तीन सर्विस अपने आ रही है सर्च कंसोल एनालिटिक्स पेज स्पीड इनसाइट इसी हिसाब से हम टैग मैनेजर को भी एडसेंस को भी सेटअप कर सकते हैं ठीक है तो ये एक प्रोसेस होता है सिंपल सा कि आप इसमें अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स टैग मैनेजर एडसेंस और एड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थैंक यू फॉर लाइक अटेंडिंग दिसशन अब दूसरा प्रोसेस जानना है वो एक थोड़ा कम्प्लेक्स वे में होता है इनिशियली वो सजेस्ट नहीं किया जाता है ठीक है जब आपके पास वर्ड की वेबसाइट है तो आप इस पर कर लीजिए दूसरा प्रोसेस होता है कि जैसे आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर गए एक बार फिर भी प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में आप गए कोर्ट पे वेबसाइट जब आपकी एक होती है तब ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता है जो सेकेंड प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें हम प्लग को इंस्टॉल नहीं कर पाते साइट किट वाले को स्टार्ट नाउ पे आपने क्लिक किया आपके पास यहाँ पे लिस्टेड ऑफ डोमेन आ जाएगी जिस जिस पे आपने काम किया हुआ है ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है जैसे आप ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दोगे दो चीज पूछेगा यहाँ पे एक तो पूछेगा डोमेन एक पूछेगा यू आर एल फ्री फिक्स जैसे एक बार रफ, वो तो हमने कनेक्ट कर लिया अब मैं दूसरी कोई भी रैंडम डोमेन दिखा रहा हूँ टैलेंट फ्रीलैंशर है, एक रफली डोमेन के लिए हम अपना एक दूसरी डोमेन ले लेते हैं टैलेंट फ्री लेंसर डॉट कॉम इसमें केवल अपने को डोमेन डोमेन एंटर करनी है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना तो आपके पास ये कहेगा कि आपको जो आपकी होस्टिंग रहेगी ना आपकी जो सी पैनल रहेगा जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज कर रखी है वहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा गूगल साइट वेरीफिकेशन या आप जस्ट डेवलपर को दे दोगे तो वो उसको आपको ऐड कर देगा जिसके पास भी सर्वर है मतलब जो सर्वर का, का काम करता है उसको देना है वो आपका टी एक्स टी रिकॉर्ड या फिर सी नेम रिकॉर्ड आपका ऐड कर देगा जिसके थ्रू ये वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी सक्सेसफुली ठीक है इसको कॉपी करके जब आप डेवलपर को दे दोगे डेवलपर ऐड कर देगा तो वेरीफाई पर क्लिक कर देना वो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा देगा अब जो प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट करी थी लॉग इन करी थी वो प्रॉपर्टी अपने को दिखा देगा यहाँ पे जैसे जो अभी हमने डी एम डॉट विकास डॉट टैग करा है ना अभी कनेक्ट करी थी उसके साइट किट के थ्रू वो यहाँ पे दिखा दी इसने परफॉर्मेंस में आप जाओगे तो ये डाटा कुछ टाइम के बाद एक दिन के बाद यानी ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद यहाँ पर जितना भी क्लिक्स इंप्रेशन आपके कैप्चर होंगे वो सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है गूगल एनालिटिक्स का अब जब आप गूगल एनालिटिक्स पे जाते हो यहाँ पे अकेडमी हटा के जस्ट एनालिटिक्स पे जाना है इसका भी अपना सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी अपने को कुछ नहीं करना एक जो जो, जो स्टेप बता रहा है वो स्टेप हमें फॉलो करना है उसके थ्रू हमें कंप्लीट कर लेना है अब यहाँ पे आप जाओगे जैसे आप यहां पे जाओगे तो यहां पे नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है जब आप उस पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखा देगा फिर आपको क्रिएट पे करना है यदि आपको एक नया ही अकाउंट क्रिएट करना है गूगल एनालिटिक्स का तो उसमें कर सकते हो अदरवाइज दूसरे एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का नाम ऐड करोगे जो भी आपका वेबसाइट का नाम है समथिंग कुछ में यहाँ पर आप टाइमिंग जोन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे करेंसी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे ठीक है और जैसे आप नेक्स्ट को करोगे ये कुछ आपको पूछेगा इंडस्ट्री किस टाइप की है वो आप इंडस्ट्री को फिल कर दोगे बिजनेस का पूछेगा कैटेगरी कितने एम्प्लॉई आपके बिजनेस में नेक्स्ट पे क्लिक करना है पर्पज के ऐप का सेटअप करने का तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो क्रिएट पे क्लिक करना है फिर आपके यहाँ पे पूछेगा कि किस प्लेटफॉर्म का आपको डाटा कलेक्ट करना है वेब का करना है या आपको आपको वेबसाइट का यू आर एल ऐड करना है ना जैसे ये अपनी वेबसाइट का हुआ था लेको अभी हमें ऐड कर देते हैं यहाँ पे आपको स्ट्रीम का नेम ऐड कर देना है एच टी टी सब कुछ पहले से ऐड है तो हमें हम उसमें कुछ नहीं करना है स्ट्रीम का नेम अपना जैसे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है अब क्रिएट एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करोगे तो अभी ये दिखा रहे हैं कि आपके पास कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है ठीक है हम देख लीजिए यहाँ पे ये वेब का एंड्रॉयड का आई का ये तीन चीज़ है नेक्स्ट जब आप क्लिक करोगे ये कह रहे हैं कि आप गूगल टैग को आप सेटअप करने के बाद आ गए यहाँ पे तो आपको ये कोड मिल जाएगा यहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए इस कोड को आपको डेवलपर पे हैंड पे दे, दे देना है और डेवलपर इसको इंस्टॉल कर देगा अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है कि इस कोड को कॉपी करना है और आपको वेबसाइट के अंदर जाना अप्रिंस के अंदर पहले एक थीम्स को इंस्टॉल करते हम जैसे प्लग के थीम्स के अंदर गए दूसरी थीम को हमको इंस्टॉल करते हैं जब आप न्यू थीम पे जाओगे तो यहां एक एक्स्ट्रा थीम को ऐड कर लोगे कोई सी भी थीम को कर लीजिए आपके जो वेबसाइट क्रिएटेड होगी उसमें पहले से थीम वगैरह सब कुछ इंस्टॉल होगी तो उसमें आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इस थीम को हम एक्टिवेट कर लेंगे जैसे आप थीम को इंस्टॉल कर लोगे यहां पे तो आपको क्या करना है कि थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है ये तो कोड होता है बिना किसी को इंस्टॉल करने के लिए अब की कोई भी एक वेबसाइट होती है उसमें आप जितने कम प्लगइन्स को रखोगे वो उतनी बेटर होती है उसकी स्पीड भी फास्ट होती है और उसमें कन्फ्लिक्ट भी नहीं आते लाइक कोई प्लगइन दूसरे प्लगइन के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया अब इसके अंदर जस्ट आपको क्या करना है कि हाइड्रेड डॉट पी की फाइल ढूंढनी थीम के अंदर हाइड्रेड डॉट पी ये अपनी हाइड्रेड डॉट पी की फाइल है इस पर क्लिक करना है अब इसमें हेड सेक्शन देखना हेड सेक्शन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे बंद हो रहा है जहाँ पे भी आपका हेड सेक्शन बंद हो रहा है उसके जस्ट नीचे आपको ऐड कर देना कोड जैसे आप कोड को ऐड कर दो कि फिर आपको अपडेट फाइल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अपडेट कर देना ठीक है जैसे इसको आप अपडेट कर दोगे यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स पे जाओगे तो टेस्ट इंस्टॉलेशन पे जब आप क्लिक करोगे बट अपने डोमेन अलग है तो वो नहीं हो पाएगा अभी हम किस पे कर रहे हैं डीएम डॉट वी गॉस पर तो ये प्रोसेस होता है आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा ठीक है जैसे आप टैलेंट फिलेंस पर उस कोड को अपडेट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी डाउट है कुछ भी पूछना है तो आप पिंग कर सकते हो कमेंट सेक्शन में अब यू विल रिप्लाई फॉर दैट थैंक यू हैवी नेक्स्ट डे बाय बाय